सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप वीडियो के थंबनेल और वीडियो की टाइटल को देखकर तो समझ ही गए होंगे, टॉप 10 गेम्स फॉर लो एंड पीसी। यस गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 गेम्स फॉर लो एंड पीसी। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में भी मैं आपको ऐसी 10 गेम्स बताऊंगा जिनकी स्टोरी लाइन अच्छी हो, जिनके ग्राफिक्स भी अच्छे हो और वो आपके पोटैटो पीसी में चल भी जाए। उन गेम्स के नाम जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं अपने फर्स्ट गेम की, जो कि बेस्ड है एक मूवी सीरीज पे जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड और गेम का नाम है जेम्स बॉन्ड 007 ब्लडस्टोन। सो गाइस, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी सीरीज है वो हॉलीवुड में काफी लंबे टाइम से बनती आ रही है और उन मूवीज में बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है आपको, और ये गेम उन्हीं मूवीज में बेस्ड है, तो आप समझ ही सकते हो इस गेम में भी कितना सारा एक्शन होने वाला है। तो इस गेम में आपको एक्शन मिलेगा और जहां तक मैं बात करूं गेम के ग्राफिक्स की, वो भी काफी अच्छे हैं और जो गेम की स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और इस गेम में आपको बहुत सारे चेजिंग सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने एनिमी को चेज करोगे कार्स और बोट्स ड्राइव करके। और इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर 2 डुओ E4 300 1.80 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर, और ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है, और रैम चाहिए होगी आपको 1 GB की और 12 GB का फ्री स्पेस। सो गाइस, ये तो बात हुई लिस्ट के फर्स्ट गेम की, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है सिंडिकेट। सो ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्शन गेम है जिसमें आपको एक स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, और जहां तक मैं बात गेम के ग्राफिक्स की वो भी काफी अच्छे हैं और कुछ पॉइंट्स में पता नहीं क्यों ये गेम साइबरपंक जैसी लगती है। हालांकि ग्राफिक्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, बट फिर भी आसपास का एनवायरनमेंट और फर्स्ट पर्सन शूटिंग व्यू देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप साइबरपंक खेल रहे हो। और उसी के साथ साथ आपको जो वेपन्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये गेम भी फ्यूचर में सेट है। और इस गेम में जो आपका करेक्टर होता है वो एक साइबोर्ग होता है, मतलब जैसे आपने साइबरपंक में देखा होगा जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट होता है या फिर आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब उनकी बॉडी मशीन्स लगी रहती हैं जिनको वो अपग्रेड करते हैं। तो ये तो बात हुई सिंडिकेट की, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है डार्क वॉइड। सो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है और इस गेम में आप एक कार्गो पायलट होते हो जिसका नाम होता है विलियम अगस्तस ग्रे, बट एक दिन अचानक से उसके प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर। तो आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, वहां पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोगों का कहना है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये गेम बनी है। और उसके बाद वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और पहुंच जाता है एक पैरेलल वर्ल्ड में जहां पर उसे कुछ लोग और मिलते हैं जो कि अपने आप को सर्वाइवर कहते हैं। और आपको गेम की स्टोरी लाइन में काफी सारे कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एनिमीज को डिफीट करने में और उस पैरेलल वर्ल्ड से एस्केप करने में जहां पर आप अभी फंसे हुए हो। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर, 1 GB की रैम, ग्राफिक्स कार्ड की कोई जरूरत नहीं है और 10 GB का फ्री स्पेस। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम की जिसका नाम है द क्लब। ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग एक्शन गेम है और इस गेम में सट्टा लगाया जाता है, MPL है ये गेम। इस गेम की स्टोरी लाइन ये है कि इस गेम में कुछ अमीर लोग का ग्रुप होता है जो कि लोगों या फिर अपने खरीदे हुए फाइटर्स पे सट्टा लगाते हैं, और जिसका फाइटर फाइट में एंड तक रहता है वो जीत जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ अमीर लोग आपके ऊपर पैसा लगाते हैं और आपको भेज दिया जाता है एक पुरानी सी बिल्डिंग में जहाँ पर आपको अपने जैसे ही काफी सारे लोग मिलते हैं और आपको काफी सारे वेपन्स भी मिल जाएंगे इस गेम में जिसका यूज करके आपको अपने एनिमीज को डिफीट करना होता है, और जिसका फाइटर एंड तक बचा रहेगा और विक्ट्री हासिल करेगा उसे सट्टे में लगाए हुए सारे पैसे मिलेंगे। देखा तुमने, मैं कह रहा था ये गेम MPL है। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने फिफ्थ नंबर के गेम की जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लैश पॉइंट रेड रिवर। सो ये एक मिलिट्री बेस्ड फर्स्ट पर्सन शूटर एक्शन गेम है जिसमें आप रोल प्ले करते हुए एक सोल्जर का, और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मिसाइल लॉन्चर्स और टैंक्स भी चलाने को मिल जाती है। और इन सब के साथ साथ ये एक ओपन वर्ल्ड गेम भी है, मतलब अगर आप चाहो तो आप आसपास का ओपन वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर एनिमीज की टेरिटरी में घुसकर डिस्ट्रक्शन मचा सकते हो। और इस गेम में आपको काफी सारे मिशंस भी मिल जाएंगे, और जहां तक मैं बात करूं गेम के ग्राफिक्स की वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और जहां तक मैं बात करूं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर 2 डुओ प्रोसेसर, और जहां तक मैं बात करूं ग्राफिक्स कार्ड की उसकी कोई जरूरत नहीं है, और 1 GB की रैम, और गेम का जो साइज है वो है 6 GB। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि एक मूवी पे बेस्ड है, मूवी का नाम है गॉडफादर 2 और गेम का नाम है गॉडफादर 2। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये गेम एक मूवी पे बेस्ड है जिसका नाम है गॉडफादर 2 जो कि 70s में आई थी। इस मूवी की सीरीज में माफिया वर्ल्ड दिखाया गया, मतलब माफिया वर्ल्ड में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, मतलब क्या क्या डीलिंग्स होती है और वो डील्स कैसे होती है, ये सब कुछ उस मूवी में पूरी डिटेलिंग में दिखाया गया है और यही सब कुछ इस गेम में भी है। और इस गेम की स्टोरी लाइन एक मूवी में से ली गई है, तो गेम की स्टोरी लाइन तो अच्छी
होगी ही, और उसी के साथ साथ आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक है, बट स्टिल अच्छे हैं। और इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल पेंटिनम 4 का एक प्रोसेसर, 1 GB की रैम एंड 9 GB का फ्री स्पेस। सो गाइज, ये तो बात हुई हमारे काउंटडाउन के 4th नंबर के गेम की, यानी कि गॉडफादर 2 की। तो अब चलते अपनी वीडियो की नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है बायोनेट। सो इस गेम में आप रोल प्ले करते हो एक विच का, यानी कि एक जादूगरनी का, जिसको गेम की स्टोरी लाइन और टाइम लाइन के हिसाब से 20 साल पहले वापस जिंदा किया गया था, बट उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए वो निकलती है एक जर्नी पे, जहाँ पर उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बहुत सारे एनिमीज मिलते हैं, जिन्हें वो डिफीट करती है और गेम में आगे बढ़ती है। और इसी के साथ साथ इस गेम में आपको बहुत सारी फाइटिंग भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप एक मॉन्स्टर को डिफीट करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को डिफीट करोगे तीसरा आ जाएगा। और इस गेम में बॉस स्टेजेस भी हैं, जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं, और उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करके आपको गेम में आगे बढ़ना है। और इस गेम को चलाने के लिए आपको प्रोसेसर चाहिए होगा कोर i3, 4 GB की रैम, 20 GB का फ्री स्पेस और ग्राफिक्स कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो गेम जिसको मैंने 3rd नंबर पर रखा है, उसका नाम है बुली स्कॉलरशिप एडिशन। अब गाइज, अगर आप मुझसे पूछोगे कि रॉकस्टार की ऐसी कौन सी गेम है जिसकी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी है, कुछ लोग बोलेंगे मैक्स पेन 3, कुछ लोग बोलेंगे GTA San Andreas, बट मेरे हिसाब से रॉकस्टार की वो गेम जिसकी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी है वो है बुली स्कॉलरशिप एडिशन। इस गेम का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम है जिमी हॉपकिंस, जिसे उसके पेरेंट्स कंट्री के वर्स्ट स्कूल में 1 साल के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं इस स्कूल को वर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बुलीज रहते हैं, जो कि गेम की शुरुआत में जिमी के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट गेम की एंडिंग होते होते जिमी सबका लीडर बन जाता है। इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना, जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट से अटैच होते जाओगे। और इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल पेंटिनम 4 का प्रोसेसर, 1 GB की रैम, 4.7 GB का फ्री स्पेस और ग्राफिक्स कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। और अब चलते हैं अपने काउंटडाउन के सेकंड गेम की तरफ, जिसका नाम है वैंक्विश। सो गाइस, अगर आपको शूटिंग गेम्स खेलना पसंद है तो मैं ये गेम आपको एक बार जरूर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इस गेम में आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी शूटिंग देखने को मिल जाएगी। गेम का जो कॉम्बैट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इस गेम में आपकी फाइट होती है एलियन से, बड़े बड़े जायंट रोबोट से, और इन सब चीजों के साथ साथ आपको इस गेम में बॉस स्टेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। और आपके मेन करेक्टर ने पहना होगा एक आर्मर, जो कि उसे डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज देता है फाइट करने के लिए। और इस गेम की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, आपको चाहिए होगा इंटेल कोर i3 का एक प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 20 GB का फ्री स्पेस और 512 MB का एक ग्राफिक्स कार्ड। मतलब आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी इसको अपने नॉर्मल प्रोसेसर में चला सकते हो। सो गाइज, ये तो बात हुई वैंक्विश की, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है प्रोटोटाइप 2। सो गाइज, इस गेम में जो आपका मेन करेक्टर होता है उसके पास होती है बहुत सारी पावर, और ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पावर का कैसे यूज करते हो। मतलब ये आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीजें आपको तबाह करनी है और किन किन को बचाना है। और गेम पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड है, जाइए गेम के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर कीजिए और जहां मन चाहे वहां पर डिस्ट्रक्शन मचाइए। तो इस गेम को भी एक बार जरूर ट्राई करना, काफी ज्यादा फन गेम है। और जहां तक मैं बात करूं गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो आपको चाहिए होगा इंटेल कोर 2 डुओ का एक प्रोसेसर, 2 GB की रैम, ग्राफिक्स कार्ड की कोई जरूरत नहीं है और 10 GB का फ्री स्पेस। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं आपको टॉप 10 गेम्स फॉर लो एंड PC बता चुका हूँ, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी वीडियोस। गुड बाय।